दोस्तों एक वक्त था जब बिहार को शिक्षा और समृद्धि की भूमि कहा जाता था और 17 के दशक तक तो बिहार में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियां खूब फली और फूली भी। तभी तो एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री डालमिया नगर, भारत की सबसे बड़ी और बेहतरीन पेपर का निर्माण करने वाली अशोक पेपर मिल, चीनी, जूट, लालटेन और सूता की कई फैक्ट्री बिहार में कई वर्षों तक समृद्धि के गगन चूम रही थी। पर उसके बाद का समय बिहार के लिए अभिशाप बनकर आया और शुरू हुआ पलायन, अशिक्षा, गरीबी और बेबसी का दौर, जो आज तक खत्म नहीं हो पाया। और इसका सबसे बड़ा एक कारण जात पात, अमीर गरीब का भेदभाव भी रहा है। पर कहते हैं ना, वक्त एक चक्र है जो अपनी गति से चलता ही रहता है। यानी बिहार के लोगों को भी समझ आ गया कि हम अपनी हालात के लिए शायद खुद जिम्मेदार हैं, और लोगों ने एक ट्रेंड चलाया, इंडस्ट्रीज इन बिहार। और नेताओं को भी समझ आने लगा कि अब बिहार में इंडस्ट्री ही उन्हें कुर्सी दिला सकता है। तो हर पार्टी ने शुरू किया, हम बिहार में रोजगार लाएंगे। यानी बिहार में इंडस्ट्री आने की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। वैसे बीते कुछ सालों में बिहार में कुछ छोटी कंपनियां उम्मीद को हवा देने में कामयाब होने लगी। शायद ऐसे ही पहल से बिहार की इकोनॉमी लगभग 3.5 गुना बढ़ चुकी है। पर अब बात करते हैं बिहार में इंडस्ट्रीज के आने की, बिहार में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियों के बारे में। दोस्तों बिहार सरकार द्वारा उद्यमी नीति में सुधार करने के बाद बिहार में इन्वेस्टर्स मीट का फायदा भी दिखने लगा और बिहार में 50,530 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के MOU पर सिग्नेचर भी हो चुका है। पर ऐसा नहीं है कि 2 से 4 महीनों में ही कंपनियां लगनी शुरू हो जाएंगी। इन कंपनियों के सेटअप में 2 से 4 साल तक का समय लग सकता है। पर हाँ, 2030 तक बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी में एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। आपको बताएं कि बिहार में लगभग 300 कंपनियां लगेंगी। यानी बिहार बिजनेस समिट से बिहार में कौन कौन सी और किस किस सेक्टर्स में ये कंपनियां लगेंगी, एक बार उन पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। इस सेक्टर में लगभग 99 कंपनियों द्वारा कंपनी लगाई जा सकती है और तकरीबन 31,395 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और ये बिहार के अलग अलग जिलों में खुलने वाली कंपनीज हैं। वहीं दूसरे सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेक्टर, इसमें तकरीबन 124 इन्वेस्टर्स ने रुचि दिखाई है और इस सेक्टर में लगभग 14,564 करोड़ की MOU पर सिग्नेचर हुआ है। वहीं तीसरा है सर्विस सेक्टर, जिसमें 30 कंपनियां 3,179 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान है। तो वहीं चौथा है IT सेक्टर, जिसमें 8 इन्वेस्टर्स ने 717 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिया है। और पांचवा है टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज। यहां 17 टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज की तरफ से 674 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान पर MOU साइन हुआ है। सभी सेक्टर्स को मिलाकर 50,530 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगभग तय है, जो बिहार में लगभग 1,00,000 जॉब देंगी। वहीं आपको बताएं कि बिहार में अडानी ग्रुप ने पहले ही 8,700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और बिजनेस समिट के दौरान भी 8,700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर MOU हुआ है, जिसमें सीमेंट फैक्ट्री को सबसे अहम माना जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भारत पेट्रोलियम है, जो बिहार में 7,386 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तीसरी सबसे बड़ी इन्वेस्टर पटेल एग्री प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि 5,230 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी। चौथे नंबर पर हॉलटेक इंटरनेशनल, जो 2,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। पांचवी सबसे बड़ी कंपनी यूरोपियन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो तकरीबन 2,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके अलावा देव इंडिया प्रोजेक्ट, स्टार सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट, भारत ऊर्जा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत प्लस एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां बिहार में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेंगी। वहीं पटना के बिहटा में 12 दिसंबर 2023 को 250 करोड़ की लागत से बनी इंडिया की सबसे पॉपुलर कंपनी ब्रिटानिया ने अपनी यूनिट का उद्घाटन कर दिया है। इसके अलावा बिहटा में ही कई बड़ी कंपनियां पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं, जिनमें सिया राम्स और हीरो साइकिल जैसी कंपनियां सम्मिलित हैं। तो धीरे धीरे ही सही, पर बिहार में अब इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो चुका है और यहीं से बिहार की तरक्की का पहला कदम मान सकते हैं कि अब बिहार में तरक्की होने की गुंजाइश दिखने लगी है।